हाँ जी, के तो क्या हाल है आप सबके। नमस्कार, जय माता दी। थोड़ा सा ब्रेक लग गया था और थोड़ी सी सेहत भी खराब, थोड़ा बीमार हो गया था और थोड़ा सा एक ही कंटेंट था तो इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था हमने। हाँ जी, तो थोड़ा सा बिजी एंड थोड़ा सा सेहत खराब हो गई थी तो व्लॉग नहीं आ पाए। अभी तो गाड़ी जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं शॉप पे, शॉप से गाड़ी लगाएंगे वर्कशॉप में, एंड देन वर्कशॉप में गाड़ी इसलिए लगानी है बिकॉज गाड़ी को धुलवाना है। बरसात के मौसम चले गए हैं, अपना भी एक हफ्ता रहा है फास्ट का, और आज छोटा सा एक व्लॉग में सरप्राइज रहेगा, वो तो पता ही लग जाएगा वैसे कैप्शन पे। चाय भी चेंज करवाई हमने तो गाड़ी धोने की बारी आ गई है। चल, कितना टाइम? हाँ जी, अभी हम निकल रहे हैं जम्मू की ओर बिकॉज हमारी आज डिलीवरी है स्कूटी की, और हमारे साथ है, पीछे आप देख सकते हैं, व्लॉगर है अर्शद। आपके चैनल का नाम क्या है? क्यों खत्म किया अर्शद? ऐसे कोई रीजन तो होगा। कोई रीजन है ईशान, तुमने इसकी मदद नहीं की चैनल चलाने में? ये चलाएंगे, इकट्ठे चलाएंगे। क्या चैनल? कौन सा? रोस्ट चैनल। किसको करने वाले हो रोस्ट? आप देखते हैं। अभी हम हर्षित को ड्रॉप कर रहे हैं। हर्षित गुडिया शुडिया लेके जा रहा है, गुडिया उड़ाने प्रैक्टिस करेगा। कटरा में क्या है वो, क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन है ना? केड़ा कंपटीशन? वो गुडियों को मैं कितना, कौन किसकी काटेगा, कितनी काटेगा, है ना? तो यहाँ प्रैक्टिस करने आया है। नहीं, चल फिर निकलो, चलो बाय बाय। चल करता हूँ मैं फोन फिर। देखा बड़ा भाई कैसे कहता है, करता हूँ मैं फोन। संडे बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया मैंने? क्या हो रहा है? बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। सो गाइस, हमने शोरूम के बाहर पहुंच गए हैं। ये सामने शोरूम है, नेट पे दिखा रहा था गली में है कहीं, तो यहाँ पे कहीं और है सामने रोड के। बस ईशान जी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो हो जाए तो उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर। कितना टाइम लगेगा ईशान जी? दो मिनट। सो दिस इज द, तो ये कलर है जो हमने बुक करवाया है, इट्स नाइस। ये उतार देते हैं, इनको पसंद नहीं है। और सब फुली इलेक्ट्रिक स्कूटी, और मुझे पता नहीं है अभी क्या करना है। ये तो दिखा रहा है लॉक है, अब इसको ओपन कैसे करना है ये सब आई डोंट नो। भैया ओपन कैसे होगी? सिंगल क्लिक करना। हाँ ओके, स्टार्ट हो जाएगी, हैंडल ऑन लॉक हो जाएगा। ओके, तो ये कैसे चलेगा? ओके, इसमें क्या क्या दिया आपने साथ में? ये मिरर, चार्जर। ओके, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, फुली इलेक्ट्रिक, मतलब हर चीज़ वैसे ही होगा। तो अभी लेके चलेंगे, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह का है तो ले करके निकलेंगे। ओके, यू लाइक द कलर ऑफ द स्कूटी? अरे कुछ नहीं होता यार, मेरा फोन देख रहा, पांच बंदे देखते नहीं मेरे को यार, बैठा हूँ। ये बैठ गया है, हमने हाइपर पे ही जाना है भैया। कटरा है? कटरा तो हाइपर पे ही जाना है। चल जाएगी ना हाइपर पे? चल जाएगी, 94 किलोमीटर चलेगी, पर कोशिश करना, गर्मी ज़्यादा है ना। अच्छा, तो टॉप स्पीड कितनी है इसकी? फर्क आता है, अभी स्कूटर इशू आ जाएगा, वो बोलेगा अभी इसको ठंडा करके रखो 10 मिनट। फट भी सकती है? नहीं, आराम से चला सकती, वो बोलेगी अब रुक जाओ। बाकी यहाँ से बस निकलोगे। ये भी है, ये दोनों, ये वॉल्यूम है।
ये हमारी स्कूटी रेडी हो गई, ईशान जी आए हैं, इन भैया ने बहुत मदद की, भैया आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। और ये हेलमेट देखो हमारी यार, और स्कूटी देखो, ये बुलेट के लिए हेलमेट ली थी मैंने, उसकी हेलमेट ही उठा के लेके आ गया, सोचा कोई क्यूट सी हेलमेट मिलेगी, लेकिन नहीं। भैया रखो इसके आगे नींबू, यहाँ पे है हमारी दन्नो। ये देख ही चक्कर हो रहा है यार, इसका जो चार्जर है ना, मैंने चार्ज पे लगाया जब वापस आया, इट वाज लाइक 19% जब मैंने चार्ज पे लगाया तो ये कहता कि 9:30 बजे तक फुल चार्ज हो जाएगा, बट फिर उसके बाद मैंने जब हटाया तो कह रहे हैं 3 बजे तक फुल चार्ज होगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें, अब पता नहीं रात को फिर से चार्ज करके देखूँगा क्या फ़र्क आता है इसमें, बट चीज़ तो अच्छी है यार, पैसे बचाने वाली चीज़ है। कैसे बताने वाली चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, रुको थोड़ी देर में। सो गाइस, इट्स 6:00, मैं आ गया था वापस स्कूटी लेके खुद ही, और अच्छी है स्कूटी, इट्स नाइस, एवरीवन शुड टेक ओला। ये इन्होंने ऐसे ही एक वो डाला हुआ है कि ओला चलती नहीं है, ओला ऐसा है, ओला वैसा है, बट ओला इज़ गुड मेरे अपने तरीके से। और भैया पिकअप बहुत अच्छी है इसकी, हाइपर मोड, स्पोर्ट मोड तो भैया अलग ही लेवल की शिट है। मैं तो बिल्कुल उड़ाते हुए हैं उस स्कूटी, मतलब लगा लो 100 किलोमीटर जो मतलब रेंज है, 150 किलोमीटर की रेंज है, वो 40 में ही ख़त्म होने वाली थी, लाइक 20% बैटरी रही थी और वो भी ख़त्म होने वाली थी, बट इट्स गुड। अभी घर जा रहा हूँ, थोड़ा चेंज करूँगा, उसके बाद आई एम गोइंग फॉर अ रन, तो अभी घर से निकलते हुए मिलता हूँ आपको अपनी नई ओला पे। उसका नाम डाल देते हैं धन्नो, ख़त्म करते हैं बात को, उसका नाम आज का धन्नो डाल दिया, सो जो भी उसको देख रहा है तो धन्नो जी। तो संडे और हम आ गए हैं स्टेडियम रनिंग करने, और टुडे देयर इज़ नो वन, पहले एक बारी वॉक करेंगे, देन प्लान तो ये है कि 8 बजे तक दौड़ना है आज, तो अभी 7:45 हुए हैं, एक राउंड लगाएंगे एक अच्छा सा, देन वी विल हैव अ रन 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 रन। और कल से मेरे को पता लग गया मुझे क्या करना है, देखो ट्रैवल तो है ही है, नाउ आई विल गो फॉर दैट क्या कहते हैं उसको, फिटनेस व्लॉग, एंड साथ में आई विल बी लाइक ट्रैवलिंग व्लॉग, तो बी रेडी, कल से आपको एक एक चीज़ मिलेगी। बस ये लास्ट हफ्ता है जिसमें मैंने फास्ट रखने हैं, आफ्टर दैट नो फास्ट नथिंग, फास्ट भी बंद। अब हम बैठेंगे वेजिटेरियन, नो चिकन नथिंग, नो लैम्ब नथिंग, सो वर्कआउट डन हो गया यार, इसकी लाइट तो बहुत काम की है यार, अब इसकी ब्राइटनेस करेंगे हम कम,
चल रही होनी है ऑटो या अब ठीक है ना, नहीं पहले ये कर देते हैं डिस्प्ले। हाँ सो गाइस वर्कआउट डन हो गया है और हमारी धनों का कमाल देखो, प्रॉपर लाइट दे रहा है रात को भी। सो दिस इज़ द व्यू कह सकते हो, और वहाँ पे लॉन टेनिस खेला जा रहा है। और मेरा जो वर्कआउट था वो उतनी देर में कंप्लीट नहीं हुआ जितनी देर में मैंने सोचा था, मतलब 5 किलोमीटर सोचा था दौड़ूंगा बट 3.5 में बस हो गई। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। सो निकलते हैं अब, डिनर करेंगे, तो अब कल मिलते हैं आपको सुबह विद न्यू कंटेंट एंड न्यू थिंग्स। बाय बाय।